आप सभी को मेरा राधे राधे। दोस्तों आइए आज हम बचे हुए कुछ कपड़ों से कान्हा जी का ये ड्रेस बनाएंगे। हमारे पास जब हम पोशाक वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमारे पास बच जाता है, तो उन बचे हुए कपड़ों से हम यहाँ पे इनका ये पोशाक बनाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आप लोगों को बतला दें कि ये पोशाक, ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये तीनों कान्हा जी को ये पोशाक आ जाएगा। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 3 कलर का कपड़ा लिए हुए हैं। देखिए ये एक कलर है, ये एक है, एक ये है। तो तीनों कलर का चौड़ाई जो हम रखेंगे 5 इंच रखेंगे और लंबाई ये इस तरह से 40 इंच रखेंगे। ये भी 5 इंच है चौड़ाई, ये भी 5 इंच है और ये भी 5 इंच है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये देखिए ये दोनों को हम इस तरह से मोड़ लेंगे, डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इस कपड़े को भी हम डबल करेंगे, देखिए इस कपड़े को भी हम डबल करेंगे। और डबल करने के बाद हम यहाँ पे लाकर इसे दोनों को मिलाते हुए इस जगह पे सिल लेंगे और इसी तरीके से हम इसे भी सिलेंगे। जब हम इसे सिलेंगे तो ये जो जोड़ है यहाँ पे, जो ये इस तरफ होना चाहिए और ये बिल्कुल इस साइड में चला आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तीनों को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो चलिए हम मशीन के द्वारा या आप हाथ के द्वारा जैसे आप सिलना उचित समझते हैं आप इसे जोड़कर यहाँ पे तैयार कर लें। इस तरीके से जोड़ लें, जोड़ने में ये इस तरह से जोड़े और बाद में यहाँ पे लाकर इसे पलट दें। अब इतना हो जाने के बाद में हम यहाँ पे लैस लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। अब इतना सिल लेने के बाद में देखिए इसे हमें करना क्या है, ये इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करके यहाँ पे हम यहाँ पे ठीक इस स्थान पे इस तरह से सिलाई चलाएंगे हम। तो सिलाई जो हम चलाएंगे वहाँ पे इस तरह का एक लैस हम इस तरीके से डाल लेंगे, देखिए इस तरीके से डाल लेंगे और साथ में चलाएंगे। तो चलिए हम यहाँ इसे सिलकर कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ भी सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे पहले दोनों को जोड़ लिए, जोड़ने के बाद ये लैस इस कलर का डालें, फिर हम यहाँ दोनों को जोड़ लेने के बाद ये लैस डालें, अब लास्ट में हम ये डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में हम इसके ऊपर से ये डाल रहे हैं। अब इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम। इसके बाद इस तरफ से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। जैसा कि हम और भी वीडियो में आप लोगों को बतला चुके हैं प्लेट हम किस ढंग से बनाएंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह से ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में कपड़े को लेते हुए हम प्लेट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से लेते हुए प्लेट बना लेंगे। तो चलिए ये हम प्लेट भी सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। आप अगर चाहते हैं तो 1 इंच की सहायता से भी इसे आप नाप सकते हैं। 1 इंच के बराबर आप कपड़े को रखें और इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट करें। चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम प्लेट बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। प्लेट आपका यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हम इस पर पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाने के लिए हम यहाँ पे कपड़े को ले चुके हैं, आपको 5 से 6 इंच ले चुके हैं यहाँ पे कपड़े। हम जितना ज़रूरत होगा हमें उतना ही लगाएंगे। अभी आपको हम इसे भी नाप कर दिखलाएंगे कि ये कमर पर कितना इंच है। और इसके साथ में हम देखिए यहाँ पे चोली के लिए कपड़ा ले रखे हैं, तो इसका लंबाई चौड़ाई आपको बतला दें। देखिए इसका लंबाई लिए हैं 10 इंच हम, और इसका जो ये चौड़ाई है ये चौड़ाई हम 3.5 इंच लिए हुए हैं। आप यहाँ 3 इंच भी रख सकते हैं और इसे आप 9 इंच भी रख सकते हैं। अब हम इस कपड़े को, अगर आप कम रखेंगे कपड़ा तो कम मोड़िएगा, इतना कुछ कम मोड़िएगा। यहाँ पे हम ज़्यादा कपड़ा लिए हुए, 3.5 इंच लिए हुए, इसलिए यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ज़्यादा मोड़ रहे हैं कपड़े को। अब ये इस तरीके से मोड़ लिए और इसे इस तरीके से हम मोड़ लेंगे। मोड़कर एक सिलाई यहाँ पे हम लगा लेंगे। तो चलिए इसमें हम पहले इसे सिल लेते हैं, इसके बाद फिर इसे सिलेंगे।
हम सिलकर यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब इसमें हम लेस लगा देंगे, तो लेस लगाएंगे इस कलर का यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरीके से लगाएंगे, कुछ इस ढंग से लगाएंगे। ये हो गया। अब चलिए इसे हम आप लोगों को नाप कर बतला दें कितना इंच ये हुआ है। इसे जब हम आयरन कर लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसका प्लेट बैठ जाएगा आयरन की सहायता से। ऐसे भी हम किसी ड्रेस को बनाते हैं तो हमें आयरन तो करना ही पड़ता है। देखिए इसका कमर है 5 इंच, 4.5 से 5 इंच है, यानी 4.25 इंच आप समझ सकते हैं। तो ये अब हम ले लेंगे और इसे एक साइड में देखिए मोड़ा हुआ है इस तरह से, दूसरी साइड हम इस ढंग से मोड़ लेंगे। ये आपको इसका भी लंबाई आप लोगों को दिखला दें। देखिए इसका टोटल लंबाई हम लिए हुए 6 इंच के लगभग, 6.5 इंच ले सकते हैं आप। अब इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे लगाते हुए सिलेंगे। हमें करना क्या है, इसे हम इस तरीके से एक बार मोड़ेंगे, फिर ये दूसरी बार मोड़ेंगे, मोड़कर यहां पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये चोली है, चोली को हम इस तरह से कट कर लेंगे बीचों बीच में। अब इसे एक पर एक इस तरह से हम सिलेंगे। अब इसे करना क्या है, ये ठीक बीचों बीच में ले आएंगे हम, इसे बीचों बीच में लाकर यहाँ पे इसे इस तरीके से हम एक बार हम सिलाई दे लेंगे, तो आपका ये इस तरीके का चोली बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए इसे हम सिल लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। ऐसे आप एक बार देख सकते हैं, देखिए घेरा यहाँ पे डोरी लगा लेने के बाद ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम डोरी लगाने के बाद भी आप लोगों को दिखलाएंगे। देखिए ये घेरा थोड़ा सा यहाँ पर प्रेस करने का ज़रूरत है, जब हम कर लेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल फिट बैठेगा। तो फिर चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए डोरी और चोली कंप्लीट कर लेने के बाद पोशाक ये तैयार हो गया है। बहुत ही घेरा वाला पोशाक हम यहाँ पे बनाए हैं, ज़्यादा घेरा वाला। ये आप 4 से लेकर 5 नंबर 6 नंबर तक के कान्हा जी को पहना सकती हैं, क्योंकि चोली इसमें इस तरह का है जो आप 4 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकती हैं। जो बच जाएगा कपड़ा उसे नीचे की ओर डालकर और आप यहाँ पे डोरी से टाइट कर सकती हैं, 5 नंबर के भी कान्हा जी को भी, 6 नंबर के भी कान्हा जी को। तो इस तरह से ये पोशाक बनकर तैयार होता है। चलिए अब हम इसका पगड़ी बनाते हैं। देखिए पगड़ी बनाने के लिए हमारे पास ये चौड़ा सा लेस था, इस लेस के उपयोग से हम पगड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे हटा लेते हैं। आप देखिए अब ये है, इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ लेने के बाद यहाँ पे हम लेस लगाएंगे, साथ में सिलते भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह का अगर लगाएगा, देखिए काफ़ी ये कलर इस पर मिल जा रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम गोल्डन कलर का लगाएंगे, ये इस कलर का लगा लेंगे।
तो इसे तो हम लगा लेंगे साथ में। देखिए यहाँ पे है एक लंबा है 14 इंच लंबा कपड़ा, और ये आपको है इसका लंबाई है आपको 3.5 इंच। 3.5 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबा हम यहाँ पे कपड़े को ले रखे हैं। अब इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से इसे लैस यहाँ पे लगा दिए। सबसे पहले लगा लेने के बाद में इसे इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। देखिए तो सबसे पहले इसे बनाने से पहले हम इस पगड़ी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये तो कलगी है आपको। अब देखिए अब इसे हम इस तरीके से मोड़ेंगे, जो कि हम और भी काफी वीडियो में आप लोगों को बतला चुके हैं किस तरह से बनता है। बीचों बीच में इसे ले आएंगे। बीचों बीच में ले आने के बाद हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे, और एक छोर पीछे की ओर, फिर दूसरा भी पीछे की ओर ले आएंगे, और लाने के बाद में इसे सेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम मशीन के द्वारा सिल लेंगे इसे, और जो बच जाएगा कपड़ा इसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कपड़ा हम कुछ ज़्यादा लिए हुए थे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम कर चुके हैं। अब इसे हम सिल लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे जो कपड़ा बच गया है इसे हम कट कर लेंगे। ये आपका इस तरह से पगड़ी बनकर तैयार होगा। अब हम चलिए इसका कलगी बनाते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे, इस पे हम लैस लगा चुके हैं कपड़े पर। अब इसे हम थोड़ा चौड़ा चौड़ा, क्योंकि यहाँ कपड़ा ज़्यादा कुछ लिए हुए हैं। अगर आप 9 इंच या 10 इंच भी कपड़े को लेंगी तो आपका ये कलगी बनकर तैयार हो जाएगा, पर हम यहाँ पे 14 इंच लिए हुए हैं, कुछ ज़्यादा लिए हुए हैं कपड़े को, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे डिप डालेंगे चून को। देखिए इस तरीके से एक बार और इसे इस तरीके से ले लेंगे। अब यहाँ पे हम धागा को बांधेंगे। इसे नोट लगा लेते हैं। देखिए जैसा कि हम आप लोगों को बताया, यहाँ कपड़ा हम कुछ ज़्यादा लिए हुए थे, तो ज़्यादा लिए हुए इसलिए हमारा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है ये चून। तो अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे इस तरीके से लाना है, और इस कपड़े को आपको ये जो है थोड़ा सा और हम नीचे की ओर करेंगे। सुई धागा की मदद से हमें काम करना होगा यहाँ पर। थोड़ा सा और इसे थोड़ा इस तरीके से सिल लेंगे, और इसे हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे इस तरह से, और इसे भी इस तरह से लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका ये पगड़ी तैयार हो जाएगा। तो इसे चलिए हम सुई धागा की मदद से इसे सिल लेते हैं। अब हम इसे कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का दिखने में लग रहा है। पगड़ी भी बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है, आप ये देख सकते हैं।
तो इस तरह से ये कृष्णा जी का यानी कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का पोशाक बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।